मिर्जापुर आगामी त्यौहार होली व सभी बारात पर को लेकर जिला पंचायत सभागार में पीस कमेटी की बैठक सीडीओ वीएस लक्ष्मी की अध्यक्षता में विभिन्न थानों के थाना अध्यक्ष सीओ एवं नगर के संप्रभान प्रमुखों संग बैठक संपन्न हुई। देखिए हमारे संवाददाता राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। सर बताएं कि जिला पंचायत सभागार में बैठक की गई है, क्या है बैठक का उद्देश्य? जिला पंचायत सभागार में आगामी होली और सभी बारात के त्यौहार को देखते हुए सभी हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, सभी पुलिस अधिकारी और केंद्रीय शांति समिति और सभी थानों से जो भी शांति समिति के सदस्य हैं वो भी संभ्रांत नागरिक हैं, उनके साथ एक बैठक यहाँ पर की गई है। सबके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। सभी के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि इस त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाने में हमारा सहयोग देंगे और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं बिजली विद्युत की, पानी की और साफ सफाई की, उसके लिए सभी अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं और उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि पूरी मुस्तैदी के साथ त्यौहार में उपस्थित रहते हुए अपनी ड्यूटी करेंगे और सारी व्यवस्थाएं अच्छे से सुनिश्चित करेंगे। सर बताएं कि अभी सभागार में एक बैठक की गई थी नवरात्रि को लेकर, क्या बैठक का था पूरा उद्देश्य? आज दो बैठकें हुई हैं, एक कलेक्ट्रेट में हुई हैं और एक यहाँ पर जिला पंचायत के सभागार में हुई हैं। दोनों का उद्देश्य कमोबेश एक ही था, लेकिन ये चूँकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, होली अभी आपके 18 तारीख को आने वाली है, उसी दिन को शबे बारात भी है, उसी दिन को शुक्रवार भी है, जुमा भी है और साथ साथ होली भी है, तो संवेदनशीलता को देखते हुए ये पूरे मिर्ज़ापुर जनपद के लोग यहाँ पर बुलाए गए थे। इसमें एडीएम साहब और हम लोग सभी अधिकारी शामिल हुए थे, सभी सीओ साहब थे, एसडीएम थे और थानाध्यक्ष वगैरह भी थे। तो बस इतने मैसेज देना था कि जो समस्याएं हों वो लोग अवगत कराएं, कहीं भी बात छूट रही हो अवगत कराएं। बाकी पीस कमेटी की मीटिंग वगैरह थानावार हो चुकी हैं और होलिका दहन को लेकर कहीं पर आई बातें कि जैसे कि तार के नीचे रखा हुआ है या पेट्रोल पम्प के पास रखा हुआ है या कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर संवेदनशील है, जैसे आही गाँव एक पड़ता है कछुआ में, वहाँ पर आया कि वहाँ पर पहले पूर्व में दो वर्गों के बीच में कोई विवाद रहा है, तो उन्हीं विवादों के संबंध में आज वार्ता की जा रही थी और तदनुसार पहले ही होली के पहले ही या त्यौहार के पहले ही उसका समुचित समाधान करने का प्रयास किया जा रहा था। जनता के माध्यम से सूचनाएं लेकर के और तथा प्रशासन और पुलिस दोनों आपस में जनता के सहयोग से समस्याओं का निदान करके, ताकि कोई त्यौहारों के संबंध में कोई समस्या ना हो, कम्युनिकेशन गैप की स्थिति ना हो। कम्युनिकेशन गैप से ही समस्याएँ पैदा होती हैं। बाकी हम अपना मैसेज दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाएं, किसी का कोई हस्तक्षेप ना करें। अगर कोई कोई त्रुटि भी हो जाती है तो उसको निश्चित तौर से प्रशासन को अवगत कराएं ताकि उसका समय पर निदान किया सके। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे अराजक तत्व के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो तथा पूरे त्यौहार को, जुलूसों को सकुशल संपन्न कराने के लिए ड्यूटियाँ वगैरह भी लगाई जा रही हैं तथा हम लोग उसमें सत्तापूर्वक उसको संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।